नमस्कार दोस्तों, cookingexam.in पर आज हम बनाने वाले हैं दाल चावल तहरी, जो खाने में चटपटा टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बट रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे हम आपको और भी अच्छी अच्छी हेल्दी और सिंपल रेसिपी शेयर कर सकें। तो सबसे पहले हमें सेट कर लेना है एक कटोरी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने ये कटोरी से ले रखी है 4 बार चावल और साथ ही मैंने यहाँ पर ले रखा है 1.5 कप दाल। तो इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर इसे हमें 3 से 4 बार धुलना है, जब तक कि पानी हमारा ट्रांसपेरेंट ना होने लगे। अच्छे से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है और इसको हम कलेक्ट करते जाएंगे एक बर्तन में, क्योंकि इस पानी को हम बिल्कुल भी फेंकेंगे नहीं। ये जो पानी है ना, ये हमारे प्लांट पीकर बहुत खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप देख सकते हैं दलिया की टेस्टी टेस्टी खिचड़ी, जो हेल्दी तो है ही और साथ ही साथ वज़न को कम करने में भी काफ़ी हेल्पफुल है, तो ज़रूर से देखिएगा। और इसी के साथ हमने ले लिया है कुकर, गैस पर चढ़ा दिया है और हम यहाँ पर ले रहे हैं देसी घी। अगर हमारी बात करें तो हमने यहाँ पर 3 चम्मच यूज़ किया है देसी घी, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसा भी आप कम या ज़्यादा रखना चाहें। साथ में डालेंगे जीरा, सूखी लाल मिर्च, लहसुन को छोटे छोटे इस तरीके से कट करके यहाँ पर हम डाल देंगे। थोड़े से जब ये भून जाएँ, चटक जाएँ, तो यहीं पर हम डाल देते हैं प्याज। प्याज हमने लिया है, 1 प्याज है, इसको बिल्कुल मीडियम साइज़ मैंने कट किया हुआ है, ना तो बहुत ज़्यादा बड़े और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे। और फिर इस तरीके से अच्छे से भून लेते हैं। आप यहाँ पर अपनी कोई भी फेवरेट सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने ले लिया है 1 बड़े साइज़ का आलू क्यूबिक कट करके, तो इसे भी अच्छे से भुनने देते हैं। और जब तक हमारा आलू भुन रहा है, तब तक हम देख लेते हैं पानी, क्योंकि हमें पानी कितना लेना है चावल के अकॉर्डिंग। जितना भी चावल लिया है, जस्ट डबल। तो यहाँ से देख सकते हैं, इस कटोरी से मैंने चावल को नापा था, तो इसे हम ले लेते हैं ग्लास में। इस ग्लास में 4 कटोरी के बराबर पानी आती है और हमें यूज़ करना है 2 ग्लास पानी, क्योंकि हमें जस्ट डबल यूज़ करना है। तो हमारा जो आलू है वो अच्छे से भुन चुका है। यहाँ पर हम डाल देते हैं हमारा दाल चावल भी इस तरीके से, और इनको भी 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। ऐसा करने से होता क्या है कि थोड़ा सा सोंधापन हमारे दाल चावल में भी आ जाता है भूनने से। और यहीं पर हम डाल देंगे हल्दी, नमक और कोई मसाला जो भी आप सब्जी वगैरह में यूज़ करते हो, अगर डालना चाहें तो, और नहीं डालना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ नमक और हल्दी इनफ है। और यहाँ पर हमने ले लिया है 2 ग्लास पानी और बस इसको अच्छे से मिला लेना है, मिक्सअप कर लेना है चावल को पानी के साथ में। और डाल देते हैं हल्का सा मटर और बस हमें कुकर बंद कर देना है। हमारे कुकर में 2 विसल आने देते हैं और 2 विसल के बाद हमें कुकर को बिल्कुल भी अपने हाथों से नहीं खोलना है। इसे तब तक नहीं खोलना जब तक कि इसकी सीटी ऑटोमेटिक ना निकल जाए। तो 2 सीटी लगा ली और साथ में ऑटोमेटिक सारा प्रेशर बाहर निकला, तब मैंने इस कुकर को खोला हुआ है। तो देख सकते हैं जो हमारा तहरी है कितना खिला खिला बना हुआ है। आप इस तहरी को किसी भी अचार के साथ इंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि आम का अचार, आमड़ा का अचार या फिर सूरन का अचार। और ऐसे बहुत सारे अचार की रेसिपी भी आप हमारे चैनल cookingexam.in पर देख सकते हैं। और साथ में हमारी तहरी को डेकोरेट कैसे करना है, थोड़ा सा डालना है धनिया पत्ती, देसी घी, पनीर के स्लाइसेस आप काट लीजिएगा, काटने के बाद में थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिएगा, चाहे तो तवे पे और चाहे तो हल्के से देसी घी में, और बस इसे सर्व कर दीजिए गर्मा गर्म। हाँ, तो आपको मज़ा ही आने वाला है। तो एंजॉय दिस तहरी, एंजॉय योर डे। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।